मेरे वल्लों सारिया नू प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं नमनदीप कौर स्व संगीत चैनल तो आप जी नू नाच जी बटाले वाले बारे कुछ अनमोल गल्लां दसन जा रही हाँ। उम्मीद करती हाँ यह गल्लां तुहाडे ज्ञान विच वाधा जरूर करनगियां। नाथ जी बटाले वाले जीवनी संगीत कला विच मनुखी मन नू सहज अवस्था विच पहुँचाउण दी असीम शक्ति है। इस कला का प्रयोग अते अभ्यास मानवी मन दीआं आंतरिक शक्तियां नू उजागर करता है, जिस नाल मन सहज अवस्था की प्राप्ति करता है। दुनियावी कदरां कीमतां तों निर्लेप होकर विचरना अजिहे व्यक्तियों लई सहल हो जाता है। संगीत के इतिहास विच अजिहे अनेक संगीत जीवियां दा नाम अंकित है जिन्हां किसी दुनियावी प्राप्ति की लालसा लई नहीं सगों आत्मा दे देश जाण वाले इस मार्ग के पंधाऊ बण अपना समुचा जीवन संगीत नू समर्पित कर दिता। पंजाब दी संगीत परंपरा दीआं महान शख्सियतां दा जिक्र संगीत इतिहास जां लिखित रूप विच उपलब्ध नहीं है। इन्हां व्यक्तियों नाल संबंधित दंत कथावां तां बजुर्गां उस्तादां कोलों सुनन नू मिलदियां हन, परंतु इन्हां दे जीवन वेरवे एकत्र कर सकना बहुत कठिन है। यह व्यक्ति शौहरत ते विखावे विच यकीन नहीं रखते सन। राज दरबारां विच हाजरी भरना तां इन्हां दे सुभाअ दे मुल्लों ही उलट सी। इस करके राज दरबारा दे इतिहास अते हत लिखता विच अजिहियां विभूतियां दा जिक्र नहीं हो सकिया अते जिन्हां संगीत जीवियां दा जिक्र हुंदा रहा है, सच जाणियो उह व्यक्ति इन्हां आत्मा देश दे पंधाऊआं दी कला साधना सावें तुच्छ सन। 19वीं सदी दे अध विच अजिही ही एक संगीत हस्ती नाथ जी बटाले वाले दा नाम नाल प्रसिद्ध हुई। नाथ जी दे जीवन संबंधी विस्तृत अते विधिवत जानकारी प्राप्त नहीं हुंदी। दरपेश सीमावां दे अंतर्गत जिन्नी कु समगरी बुजुर्ग उस्तादा तो प्राप्त हुई है उसके आधार उत्ते इस अप्रसिद्ध परंतु उच्च कोटि दे पंजाबी संगीतकार का जीवन पंजाब दी संगीत परंपरा विच निवेकला स्थान रखता है। नाथ जी का जन्म पंजाब दे शहर बटाला विखे होया। वह बटाला दे वसनीक सन। अजिहा तां उन्हां दे प्रचलित नाम तो ही स्पष्ट है, परंतु उन्हां दा असली नाम उपलब्ध नहीं है। विरकत सुभा ते प्रभु प्रेम दी चेटक सदका आप बचपन तो ही नाथा वाला जीवन बतीत करन लग पए सन। भजन कीर्तन तो इलावा आप नू शास्त्रीय संगीत दी सूझबूझ असाधारण सी। नाथ जी पंजाब दी संगीत परंपरा विच एक वायाकार दे तौर ते जाने जांदे हन। उन्हां नू रागदारी दी विशाल सूझबूझ सी। वह खुद संगीत रचनावां बंदिशा तैयार करिया करदे सन जो अज भी कुछ संगीत प्रेमियों कोल सुरक्षित हन, जिन्हां विचों उस्ताद लक्ष्मण सिंह सीन का नाम विशेष तौर पर वर्णन योग है। नाथ जी का इन्हां बंदिशा की कविता आप ही रचिया करते सन। उपरंत इस काव्य नूं राग स्वरूप अनुसार सुरबद्ध करके गायन द्वारा प्रस्तुत करते सन। नाथ जी द्वारा रचित बंदिशा विच लय ते ताल दे चमत्कार दृष्टिगोचर हुंदे सन। बंदिशा विच भिन्न भिन्न लयकारिया की समर्था विशेष सी। इन्हां बंदिशा विच निक्किया निक्किया ताना द्वारा विस्तार करन दी परंपरा आप दी विशेष देन है। गुणी जन भी आप दी बंदिशा ते कुर्बान जांदे सन। इन्हां बंदिशा दी लय ते ताल नूं समझना साधारण वादक दा काम नहीं सी। कई वेर बंदिश दी लय तो कई होर ताल प्रतीत हुंदा है, परंतु असल विच मात्रा दी गिणती तो किसी होर ही ताल दा स्वरूप सामने आउंदा है। नाथ जी ने विभिन्न तालां विच बंदिशा दा निर्माण किया, जिवें इंद्र ताल, चार ताल, सवारी, यक्का जो कि 12 मात्रा दी हुंदी है आदि। उस्ताद लक्ष्मण सिंह अनुसार नाथ जी दी बंदिशा दा चलन ते विधान अद्भुत है। कोई 21 मात्रा दी है, कोई 23 मात्रा दी ते कोई 17 मात्रा दी। लय ते ताल दी इस विशाल सूझबूझ तो स्पष्ट हुंदा है कि नाथ जी जिते रागदारी दी सूझबूझ रखते सन उत्थे लय ते ताल दे धनी भी सन। हो सकता है उन्हां पखावच वादन जां ताला दी विशेष तालीम लई होवे, परंतु इसका जिक्र किधरों भी उपलब्ध नहीं हो सकिया। नाथ जी द्वारा रचित बंदिशा विच कुछ बंदिशा उस्ताद लक्ष्मण सिंह जी तो प्राप्त हुईयां इस प्रकार हन। राग भीम पलासी ताल, चार ताल सवारी जो कि 11 मात्रा दी है। इसकी स्थाई है मुरली बजाई प्यारी घनश्याम, मुरली से उपजे अमृत रस। इसका अंतरा कुछ इस तरह है नाथ कृष्ण बिन सुनी सब गोकुल गां। होर भी कई बंदिशा इस विच प्राप्त होंदिया हैं। नाथ जी ने उम्र पर ब्रह्मचारी वाला जीवन बिताया।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਸੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਜਬ ਕੀਨੋ ਨਿਵਾਸ, ਸੋਹਤ ਬਸੰਤ ਕਾ ਉਲਹਾਸ, ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਗਲ ਪੁਸ਼ਪਮਾਲਾ, ਸਿਰ ਸਤ ਕਾ ਸੇਰਾ, ਨਾਥ ਦੇਤ ਦੋਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੋਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੋਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਥ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਾਥ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਕਿਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਾਇਆਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।